her turn, and she is on leave, so I am taking the lecture. Basically, the topic of this lecture was Zika and Ebola. So, but Zika and Ebola itself is not that important for you people. आपके एग्जाम क्योंकि पर्पज तो एग्जाम का भी है ना, तो एग्जाम के पर्पज से आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन उसमें से आता नहीं है. क्वेश्चन क्या कहाँ से आता है? क्वेश्चन कम्स लाइक दैट, इमर्जिंग री इमर्जिंग डिजीजेस. आपको पढ़ाया पहले कभी ये है? ये टॉपिक पढ़ाया नहीं? ओके सो आपका जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंड हाउ टू कंट्रोल द इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीजेस. तो वी विल जस्ट आई टेल यू अबाउट स्मॉल थिंग्स अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि अभी एग्जाम कब होगा आपका? ट्वेंटी हाँ इंटरनल 22nd of July अभी है ना एग्जाम. और ये कम्युनिटी मेडिसिन का भी होगा उसमें? नहीं, पीएसएम का तो नेक्स्ट ईयर होगा ना आपका, अभी थोड़ी होता है. ओके सो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको वो पॉइंट्स बताऊं जो आपको याद रहे, आपके साथ जाए. फालतू की बकवास करने से अच्छा है उससे वो पॉइंट्स आपको बता दूं कि जो आपको जो विच आर यूजफुल फॉर यू एंड विच विल गो विथ यू. ठीक है, जैसे ही छोटा छोटा, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट बिकॉज आई नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कीप योर सेल्फ अवेक आफ्टर अ गुड लंच. मैं भी जाग नहीं सकता, मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेरी मजबूरी है कि मुझे बोलना है, यहाँ पे खड़े हो गए, सो प्लीज बेयर विद मी. एनी वे, माई नेम इज डॉक्टर आसिम खान, एज यू कैन सी माई नेम. दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर है. आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या मेरा? ओके सो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज डॉक्टर आसिम खान. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट. मैं एज वाइज बड़ा दिखता हूँ, मेरी पोस्ट लेकिन छोटी है, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द माई कैरियर इज आउट ऑफ इंडिया. एंड अनफॉर्चुनेटली वट एवर यू वर्क आउट ऑफ कंट्री इट डजंट काउंट एज एन एक्सपीरियंस हेयर. ओके सो माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट काउंटेड हेयर एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर हेयर. टूडे we'll talk about the emerging and re-emerging. I'm MBBS doctor, and after that I did my MD from the SMS Medical College. And why I'm telling you these things, I ask the students about why I'm telling you myself. bata raha hu aapko kya zarurat hai iski. aaun khada ho jaun yahan pe and I can start. why I'm telling you, क्यों बता रहा हूँ अपने बारे में जबरदस्ती? आप लोग इंटरेस्टेड हो नहीं, फिर भी बता रहा हूँ. सी दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द यू नो कम्युनिकेशन, कि फर्स्ट यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हु यू आर सो दैट ऑडियंस कैन हैव सम काइंड ऑफ फेथ अपॉन यू. उनको पता होना चाहिए कि उनके सामने जो ये बोल रहा है हु इज दैट गाय एंड व्हाट्स हिज बैकग्राउंड. तो अब मैं जो भी बोलूंगा, जो भी कहूंगा आपसे, आपको थोड़ा बहुत उस पर भरोसा होगा. ठीक है ना? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ मेडिकल थिंग्स, सो यू वुड थिंक ही इज अ डॉक्टर, सो यू कैन से विद कन्विक्शन नो प्रॉब्लम. सेम वे दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन. वेन एवर यू गो टुमोरो यू विल बी स्टैंडिंग हियर डेफिनेटली, सो आपको हमेशा याद रखना है इस चीज को कि आप ऑडियंस के साथ अपना एक कनेक्शन बनाओ. और उस कनेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करो. ठीक, याद रहेगी मेरी ये बात. सो वेन एवर यू डू एनी प्रेजेंटेशन एनीवेयर एनी टाइम इन योर लाइफ, फर्स्ट यू मेक
a contact, a rapport with your audience, so that they can connect with you. Okay. So emerging and re-emerging infectious diseases. क्या मतलब होता है emerging and re-emerging का? As you know, हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कंट्रोल कर ली गई, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कुछ नई बीमारियां, देर आर सम न्यू डिजीजेज आर इमर्जिंग, नई डिजीजेज आर इंक्रीजिंग, वाइल द ओल्ड डिजीजेज विच वी थॉट हैव गॉन हैव डिसअपियर्ड अगेन कमिंग बैक. Besides that, as you know, these are the, I'm talking about the infectious disease. Besides that, as you know, non-communicable diseases are also increasing. So we are having this type of burden of both type of diseases, and we have to deal with that. So आई एम टू इंट्रोड्यूस मेजर कंसेप्ट रिलेटेड टू इमर्जिंग एंड रीइमर्जिंग इंफेक्शियस डिजीज. आज के ये लेक्चर का टॉप एम है मेरा. अब इमर्जिंग कौन सी होगी? डिजीजेज दैट हैव नॉट अकर्ड इन ह्यूमन बिफोर और दैट अकर्ड ओनली इन स्मॉल नंबर्स इन आइसोलेटेड प्लेसेस. तो इमर्जिंग कौन सी हो गई? जो पहले कभी नहीं हुई. हुई होगी तो पहले इट वॉज बिफोर, क्योंकि नाउ देयर इज द कम्युनिकेशन इज सो स्ट्रांग दैट एनीथिंग विच हैपन्स इन one part of the globe, the information goes around, है ना? आपको पता चल जाता है कि किसी अफ्रीका के किसी छोटे से कंट्री में कौन सी बीमारी हो रही है या क्या किस टाइप की बीमारियां हो रही हैं. इसी तरह आपको नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या हो रहा है, हर चीज, एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स. सो यू जस्ट नो विद इन अ मिनट. बट बिफोर दैट, आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले हमें पता नहीं होता था. हमें यहाँ बैठ के पता नहीं होता था कि अफ्रीका में कौन कौन सी बीमारियां हैं या अमरीका में कौन कौन सी बीमारियां हैं 2-3 साल पहले. बट नाउ दे, नाउ वी नो इट वेरी वेल. तो इमर्जिंग डिजीजेज वो होती हैं जो दे हैव नॉट अकर्ड इन ह्यूमंस बट पहले हुई थी तो बहुत छोटी सी. और री इमर्जिंग दैट वंस वर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ग्लोबली इन पर्टिकुलर कंट्री एंड दोज डिक्लाइन ड्रामेटिकली बट आर अगेन बिकमिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इमर्जिंग तो हो गई जो अभी पैदा हो रही है, नई इमर्ज हो रही है. और री इमर्जिंग जो हो चुकी पहले, हमने समझा कि खत्म हो गई, नाउ इट्स कमिंग बैक. माय लैंग्वेज इज ओके. और ये हिंदी इंग्लिश मिक्स सही है या प्योर इंग्लिश और प्योर हिंदी, विच लैंग्वेज यू पुट? सही है, हिंदी इंग्लिश मिक्स सही है. हिंदी समझने वाले हैं ना आप इसे? ओके, थैंक यू. सो न्यू डिजीज इमर्ज और एंड ऑल डिजीज री इमर्ज. सो बेसिक फंडा ये है इसका कि जो नई बीमारी है वो तो इमर्ज होती है और जो पुरानी बीमारी थी वो री इमर्ज होती है. अब एक पुराना ये आपने पढ़ा होगा, ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है ना, याद है? इसमें एनवायरमेंट, होस्ट, पैथोजन. तो ये क्यों हो रहा है? ये भाई जो बीमारी खत्म हो गई वो वापस क्यों आ रही है? व्हाई इट्स कमिंग बैक, व्हाई इट्स इंक्रीजिंग, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस बिहाइंड दिस इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ द डिजीज. क्या होता है? एनवायरमेंट, होस्ट, पैथोजन. एनवायरमेंट में क्या चेंज आ रहे हैं? As you can see, can you read it? Environmental changes क्या क्या है हमारे यहाँ अभी जो नए हो रहे हैं? नहीं नहीं, वो last. I thought कि she is not saying. Thank you. Sorry. And बीच वाला क्या है? आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है ना, तो आपको यहाँ बैठना चाहिए ना फिर, आपको इसलिए मैंने पूछा. एनीवे, नो प्रॉब्लम. कैटास्ट्रोफिक इवेंट है ना. तो ये तीन
कुछ हमारे चेंजेस आ रहे हैं, हम ये जो चेंजेस नेचुरल हैं, अर्बनाइजेशन, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, क्लाइमेट चेंजेस। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स में कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक है ना, कोई जो ग्लोबल वार्मिंग हम सब जानते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट दैट एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। तो एनवायरमेंट में चेंजेस हैं, अच्छा अर्बनाइजेशन का क्या प्रॉब्लम हो रही है, अर्बनाइजेशन से क्यों, इट इज कंसिडर्ड एज गुड बिकॉज इन मेनी कंट्रीज अर्बनाइजेशन लेड टू पेव द वे फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अर्बनाइजेशन से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज नॉट अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम इज रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है ना। व्हेनेवर देयर इज रैपिड अर्बनाइजेशन तो वहां डेवलपमेंट चौक ब्लॉक होगा, आपके घर उठ पटांग ऐसे बनेंगे और उसमें क्या होगा, द पब्लिक हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी आप जयपुर जैसे, अब जयपुर 250 साल पहले बना था, वेरी वेल वेरी वेल प्लान्ड सिटी था। जो जयपुर के हैं, कौन कौन जयपुर के आप हो ना, जयपुर पुराना जयपुर देखा है आपने, है ना। तो पुराने जयपुर को जब आप देखोगे और कभी उसमें पैदल चलने की कोशिश करना, वॉक करना उसमें, और कभी यहाँ ऊपर जो सूर्य मंदिर है ललिता जी वाला, वहाँ ऊपर सुबह जाना जब सूरज डूबने से पहले, वैसे तो डिफिकल्ट टास्क है बट कभी सुबह संडे को जो ललिता जी का वो जो इधर अपने सूरज पुल वाला गेट है उसके सामने वाला जो मंदिर है उसे पैदल पैदल ऊपर जाना, और जब सूरज उगता हुआ हो ना तो उधर से पीछे से सूरज निकलेगा और वहां खड़े होकर आप जयपुर को देखना, यू विल फील प्राउड जो भी जयपुर के हैं कि कितना वेल प्लान्ड। मतलब आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जो रोड ये यहां से खड़े होकर, जैसे रोड ये देख रहा हूँ ना मैं, इस तरह का रोड दिखता है वहां से पूरा स्ट्रेट, और उसी तरह गलियां दिखती हैं। बट ग्रेजुअली अब क्या हुआ है, इट इज टू मच कंजेस्टेड, आप वहां निकलना भी मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, सूरज की रोशनी नहीं आती, इतना हाइट बढ़ा दी है। और जो दुकानों के आगे जो भी वरांडे थे विच वर सपोज टू कि आप वॉकिंग के लिए यूज करो, बिकॉज द टेम्परेचर वॉज सो हाई, स्टिल हाई, आप जब शॉपिंग करने जाओ तो अपने आराम से उन वरांडों में आप वॉक करते हुए जाओ, वो सारे कवर कर लिए उन्होंने अंदर। तो नाउ दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द अर्बनाइजेशन। तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इज द बिग प्रॉब्लम। अब इसको कैसे रोक सकते हैं, हाउ कैन यू स्टॉप दैट, यू कैन नॉट स्टॉप दैट, ओनली यू कैन मीन्स स्लो इट डाउन। उसको कैसे कर सकते हैं आप, कि आप रूरल एरिया में बेटर फैसिलिटीज दे दें, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे दें, तब तो ठीक है, अदरवाइज रूरल पीपल कीप कमिंग ऑन टू द अर्बन एरियाज। सो एनी वे आप उसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ कमिंग ऑफ सिविक सिस्टम अर्बनाइजेशन की वजह से, एंड विद दैट देर आर सो मेनी डिजीजेस कम्स विद दैट अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन हो गया, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पैथोजन में क्या चेंज आया गया, कैन यू रीड इट, एजेंट है, बैठे बैठे पढ़ लो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, ओके, जेनेटिक चेंज। सो जो एजेंट है उसमें भी कुछ चेंज आया, वो चेंज क्या है, जेनेटिक चेंज हो गए, ठीक है, सॉरी पैथोजन में, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस वेरी बिग प्रॉब्लम। आपको पता है फार्मिंग में देयर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देयर इज रेजिस्टेंस, सो मच केमिकल वी आर यूजिंग, वी आर हैविंग इट एवरी डे फार्मिंग में, क्योंकि यूज होता है, एंड दैट कम्स टू योर टेबल, फूड टेबल, डाइनिंग टेबल, इन दैट योर फूड मटेरियल, ठीक है।
So just because of that, insecticide resistance, genetic change, antibiotic resistance. Antibiotic resistance is a big problem. Pathogen में antibiotic resistance, पार्मा बोलते हैं आपने? Antibiotic resistance क्या होता है? ज़्यादा antibiotic देने पे body react करता है। Sorry? Yes, that's more correct answer. आपकी body का उसमें कोई लेना देना नहीं है, but the pathogen they develop the resistance to the antibiotic just with the help of mutations and genetic transformation. So antibiotic resistance, insecticide, and this is the big problem. Just for your knowledge, antibiotic resistance is the big problem nowadays. Every hospital, and that will be challenging in the next coming generation. Because you go to surgery, there multi-drug resistance bacteria are there. And these are the most common causes of mortality of post-op patients. ठीक है, अगर nursing care सही नहीं हुई तो कितना ही अच्छा surgeon हो whatever he does it could lead to increased mortality just because of this multi-drug resistance bacteria infection, MDRK infection होता है. So nutrition, travel, population density and immunosuppression. Host में क्या changes आया है? आप जानते हो कि आपका ट्रैवलिंग बढ़ गया है ना? एक टाइम में जयपुर से यहाँ मीटर गेज चला करती थी ट्रेन, एयरपोर्ट भी फ्लाइट्स गिनी चुनी थी और यहाँ से मीटर गेज चला करती थी. जो हैदराबाद आपको जाना है तो उसमें 3 दिन लगते थे. यस, इट वॉज 3 डेज ट्रेवल एंड आई हैव ट्रेवल्ड इन दैट. जयपुर से हैदराबाद एक बार में गया आज से 25-30 साल पहले. सो इट टुक मी 3 डेज to reach to the Hyderabad. So आप क्या है, flights are available, तो rapid movement, जब एक fast movement हो गया ना, उससे अभी जैसे आप कहीं हो south में हो कहीं and you are in incubation period and you come to this part and you develop the disease and transmit to other people. पहले क्या होता था, movement बहुत कम थे, ये travels जो था बहुत कम था and with that the problem was not that big. तो न्यूट्रिशन, द सेकंड थिंग, न्यूट्रिशन आपका चेंज हुआ है ना? जो नेचुरल जो फूड मटेरियल था, जो भी था, जेनेटिक जो इंजीनियरिंग के साथ उसकी वजह से जो आ गया है, उससे न्यूट्रिशन आपका न्यूट्रिशन स्टेटस चेंज हो गया है. पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई है एंड इम्यूनो सेपरेशन. देर आर सो मेनी डिजीजेज विच कैन कॉज इम्यूनो सेपरेशन. कौन कौन सी डिजीज होती हैं जो इम्यूनो सेपरेशन करती हैं, एनी आइडिया? सॉरी, एड्स, HIV और सॉरी आई डोंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. नहीं नहीं, आपने एक तो जवाब सही दिया, HIV इज क्वाइट कॉमन. एक और बीमारी जो कॉमन है, डायबिटीज में भी आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है. इम्यून सप्रेशन इज देयर और देयर आर सो मेनी डिजीज. जैसे कोई कैंसर में आपने कीमोथेरेपी दी, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी एंड देयर आर सो मेनी अदर डिजीजेस. तो उसमें क्या होगा, इम्यूनो सप्रेशन एंड व्हेन एवर देयर इज इम्यूनो सप्रेशन योर नेचुरल एबिलिटी टू फाइट विद द डिजीज विल डिक्रीज एंड द पर्सन कैन गेट इन्फेक्टेड एनी टाइम. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. एक अगर आपको याद रह जाइए, जस्ट बेसिक आइडिया है ये, आपके इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ री इमर्जिंग ऑफ डिजीज. ये इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन जो हम कर ही रहे हैं, डिफोरेस्टेशन एंड एवरीथिंग एंड एज वी एंटर, एज यू नो, जब मैं हम व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ये डेंगी एंड दिस कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज, चिकनगनिया, ये एक बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स में थे डेविडसन में. हमारी मेडिसिन की बुक थी ना डेविडसन, उसमें बहुत छोटे छोटे इसके पैराग्राफ्स थे. बिकॉज एट दैट टाइम दीज डिजीजेज वर नॉट देयर. यहाँ SMS में वी हैव नॉट सीन दीज डिजीजेज. वार्ड पोस्टिंग में हमने कभी नहीं देखी ये चिकनगनिया और आपके डेंगी. ओके, एंड विद दिस फास्ट पेस ऑफ ट्रेवल दीज डिजीजेज आर कमिंग इन दिस पार्ट ऑफ द इंडिया. सो इकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसकी वजह से वी हैव एंटर्ड इन टू द फॉरेस्ट एरिया
and we are facing new problems. Climate changes, as you can see, climate changes se problem ho rahi hai. Urbanization, industrialization, these are causing different problems. Beside that, high-risk sexual practices, multiple sexual partners, use of substances directly transmit the disease. So, ye problems, these are the cause of this re-emerging of disease. International trade, international trade hota hai, uske through bahut sari cheeze, bahut sari bimariyan aapke yahan aa sakti hai. For example, aaj se 15-20 saal pehle yellow fever was not known here in this part, and I was in infectious disease hospital, vaccine nahi lagti thi uski. So people who were going to the for the this Hajj and all this thing, we used to assess unko certificate, because there was no need, yahan lagta hi nahi tha. But now it is compulsory for the yellow fever also, because so much frequent traveling to the Africa. So that's why we brought this virus to our part of country, this thing, part of world. Evolution of the infectious agent, as you can see, mutation in bacteria, bacterial genes, multidrug resistance, I understand, aapko boli chuka hu main, multidrug resistance, Plasmodium falciparum also. Achha, beside that, the multidrug resistant jo hai, it is happening in bacteria, but at the same time it is happening in Plasmodium also. Jo protozoan diseases hai, वहाँ भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है. एंड विद दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जो आपकी रूटीन मलेरियल ड्रग्स थी, द प्लाज्मोडियम हैज बिकम रेजिस्टेंट टू दोस रूटीन मलेरियल ड्रग्स, है ना. अब तो जो रिसेंट आई है ड्रग्स, उनके भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है. सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. आई टोल्ड यू अबाउट दिस रिड्यूस्ड ह्यूमन इम्यूनिटी, immunosuppression and all these things, increased number of immunocompromised hosts, war and political conflicts. If you are aware of recent present scenario around the globe, and you know about this Ukraine and Russian war, and Israel and Hamas war, you can before that Saudi and Yemen war. So all these war, if you see the pictures or reports of these war, it is really big problems, because the people are facing shortage of water, shortage of medicines, injured people, so many mortalities, all these things just without any reason. Just pay attention to the emerging disease, kon kon si hain. नाम याद रहेगा, ये पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा, मरबर्ग, हेमरेजिक फीवर, साल्मोनेलोसिस, एबोला, हेमरेजिक फीवर, एड्स, गैस्ट्रिक अल्सर. ये पढ़ाया गया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, डू यू नो अबाउट दैट, कहाँ होता है ये? पेप्टिक अल्सर, इट्स अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर. Hepatitis C was not common in India, you know, 15-20 years back it was not common, but now it's common. Nipah encephalitis, VRSA infection, SARS and Zika. So this is the year, and these are the emerging disease. Now re-emerging bhi yaad rakh lo. Dengue, causative agent kya hai dengue ka? क्या? सॉरी, एनोफिलीज मॉस्किटो. व्हाट्स योर आंसर? एनोफिलीज मॉस्किटो डेंगी का. क्यों बेचारे गरीब को घसीट रहे हो? वो मासूम है, बेकसूर है. उसका कोई कसूर नहीं है. अजी, डेंगू का कॉज क्या होता है? इतना यार
दिस इज द एविडेंस ऑफ फेलियर ऑफ क्या कहते हैं उसे, वो जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है ना, प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन वाला डिपार्टमेंट, एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो, ठीक है, एडीज मॉस्किटो, दैट इज द कॉज, वेक्टर, लर्न द डिफरेंस प्लीज, वेक्टर एंड कॉज। मैंने जब आपसे पूछा ना कॉज, तो आपने सबने मच्छरों का नाम लिया, बट मॉस्किटो इज द वेक्टर, वेक्टर मीन्स विच कैरीज द डिजीज एजेंट, ठीक है, एंड कॉज इज डेंगी का, हाँ डेंगी का कॉज क्या है सर जी, बहुत कॉमन है, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और इसको हंसी आ रही है, ही डजंट बिलीव दैट यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, वाह वेरी बैड, डेंगी का कॉज क्या है यार, बच्चों को पता होता है, इस वायरस होता है ना, वायरस होता नहीं होता, 1 2 3 4 5 है? क्यों, कितने तरह के वायरस होते हैं उसमें, सीरोटाइप, डेंगू के वायरस होता है ना, वायरस होता है यार, है वाइवेक्स, वाइवेक्स कहां से आ गया इसमें, मतलब फेंक रहे हो तुम भी कुछ ना कुछ, मतलब छोड़ दो कुछ ना कुछ बस मार्केट में एनीवे डेंगी, चलो फिर जब क्लास आएगी तो पढ़ लेना उस टाइम, डेंगी इज इट इज एजिप्टाई और वायरल डिजीज है ना, फाइव उसके सीरो टाइप्स होते हैं, एंड एज यू नो इसका जो वेक्टर है वो टिपिकल मॉस्किटो होता है, टाइगर मॉस्किटो उसको बोलते हैं हम लोग, अब तो बहुत छोटा हो गया, पहले थोड़ा बड़ा होता था देख ले सकते थे, एंड वाई इट इज कॉल्ड टाइगर मॉस्किटो, इसमें ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होती हैं उसके, यू कैन आइडेंटिफाई इट वेरी इजीली, ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दैट डेंगी, डेंगी फीवर, मलेरिया, प्लाज्मोडियम स्पीसीज, दिस इज अ प्रोटोजोअन डिजीज, दूसरी प्रोटोजोअन डिजीज कौन सी है जयपुर में कॉमन, आप सब लोग प्रैक्टिस करोगे ना, जनरल प्रैक्टिस है ना, क्लिनिकल साइड में इंटरेस्टेड हो सारे के सारे, तो पता होना चाहिए, सेकंड प्रोटोजोअन डिजीज कॉमन कौन सी है, है? फूड पॉइजनिंग, है प्रोटोजोआ से होती है क्या, होती है, हो सकती है, जायडिया से कॉमन है अपनी इंडिया में, माइक्रो यार कैसे पढ़ के आए आप लोग, मुझे समझ नहीं आया, माइक्रो तो पास कर ली ना, हैं अब होगा एग्जाम तो भी एग्जाम तो दोगे ना इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, प्रोटोजोअन डिजीज कौन कौन सी होती है, दो तो एक तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, ये मलेरिया दे दिया, दूसरी डिजीज कौन सी है, हैं क्या, बिलीव मी मुझे माइक्रो पढ़े हुए 30 साल 25 साल हो गए शायद, लेकिन आप या तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे कि उन्होंने हमें कूट कूट के पढ़ाया और यहाँ आप लोगों की तो टीचर अच्छे नहीं मिल रहे, हैं दैट्स ट्रू, अमीबायसिस है ना, अमीबायसिस वेरी कॉमन, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, व्हेन यू गो प्रैक्टिस, तो अमीबायसिस इज क्वाइट कॉमन इन जयपुर, इन राजस्थान, वेरी कॉमन डिजीज, सो फिर इसके बाद आया शाइस्टोमियासिस, मेनिंजाइटिस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ये रीएमर्जिंग है बिकॉज मेनिंजाइटिस जनरली मेनिंगोकोकल से होती है, बट ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस से भी होने लगी है, एंड दैट्स क्वाइट अलार्मिंग, रेबीज, एज यू कैन सी रेबीज वायरस, ठीक है, इट्स कॉमन, ये मत समझना कि रेबीज इज नॉट कॉमन,
Rabies is very common. So thank God now very effective vaccine is there, so the you don't hear the mortality rate of rabies, but still the rabies is quite common. Then cholera, Vibrio cholera, polio, yellow fever, and tuberculosis. Very important disease, tuberculosis, which is re-emerging. And why it is re-emerging, tuberculosis? Tuberculosis re-emerge kyun ho rahi hai? Any guesses? Environmental pollution. Environmental pollution. उसका क्या लेना देना होगा? Pollution is a bad thing, but TB में क्या उसका रोल है? TB में उसका रोल नहीं है. But the problem is that अभी जैसे उसने बताया ना, इम्यूनो सेपरेशन, इम्यूनिटी आपकी लो होगी. तो सी द फैक्ट इज दैट एवरीबडी इज इन्फेक्टेड विद द ट्यूबरकुलर बेसिलाई. अब आप लोग इतने पास पास बैठे हो यहाँ इतने कंजेस्टेड एनवायरमेंट में, तो इधर आर चांसेस दैट somebody इज हैविंग ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, एंड दैट ही कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू अदर्स. बट आपको कैसे लगेगा? इफ योर इम्यूनिटी इज लो, यू आर हैविंग HIV इन्फेक्शन और डायबिटीज और समथिंग लाइक दैट, देन यू कैन हैव द ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन. और दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस. ये एक छोटा सा नक्शा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस कहाँ कहाँ हुई हैं. ओके, जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट सिम्टम्स HIV इन्फेक्शन. ये जब डिटेल में पढ़ो उस टाइम पढ़ लेना इसको. SARS के सिम्टम्स क्या होते हैं, जस्ट अगर पिक्चर याद रह जाए. सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, नाम सुना है इसका? अभी कुछ साल पहले आया था ये, इबोला 2014, इबोला वायरस डिजीज, प्रीवियस नोन एज इबोला हेमरेजिक फीवर. फैटलिटी इसकी 90%. और व्हेन आई वाज वर्किंग इन सऊदी, आई हैव सीन द केसेस. मैं सऊदी अरब में जब काम कर रहा था SGP, तो आई हैव सीन दोज केसेस ऑफ एबोला. बिकॉज होता क्या है कि वहां से आ गए एंड नाउ दे आर शोइंग देयर सिम्टम्स. सो इट वॉज इन दिस पार्ट ऑफ अफ्रीका, बट ग्रेजुअली इट स्प्रेड टू द वर्ल्ड अदर पार्ट. इसमें इम्पोर्टेंट चीज छोटी सी याद रख लो, ये बेसिक जो हाइजीन के वो हैं. इफ यू आर ट्रैवलिंग टू अफ्रीका समवेयर, क्योंकि इबोला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इट्स नॉट ओवर येट. सो इफ समबडी इज ट्रैवलिंग टू अफ्रीका, प्लीज टेक केयर. हाँ, ये सिम्टम्स हैं डे 7, 9, 10, 11, 12, एंड देन बेसिक हाइजीन. आपको बताया था ना, जस्ट हैंड वॉश, वॉश योर हैंड्स. इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, डोंट ईट अनकुक्ड मीट. ओके, हेल्थ अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो एंड ट्राई टू अवॉइड ट्रेवल टू दोज एरियाज वेयर देयर इज आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस. वेरी सिंपल. तो ये आपको याद रहेगा तो ये अच्छा है. देन जिका वायरस इज थ्रू मॉस्किटो, डोंट गो इन डिटेल. ट्यूबरकुलोसिस यू विल स्टडी इन डिटेल. डेंगी अगेन, दिस इज द मॉस्किटो, इट इज एजिप्टाई. याद रहेगा ये, आपके एग्जाम में आता है ये, टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज. कम्युनिटी मेडिसिन का एग्जाम होगा ना आपका, स्पॉटिंग वगैरह, उसमें एडीज मॉस्किटो आइडेंटिफाई करना. एडीज, दूसरा कौन सा होता है? एनोफिलीज. और तीसरा क्यूलेक्स, है ना? तो तीन तरह के होते हैं, क्यूलेक्स, एनोफिलीज एंड एडीज. और क्या करता है ये? प्लाज्मोडियम कितनी तरह के होते हैं? चार. कौन कौन सा होता है? दो याद नहीं. फैल्सिपेरम, वाइवेक्स,
Oh well. So dengue fever, then swine flu. ये भी अभी कुछ साल पहले आया था, है ना, सुना होगा इसको, हाईली पैथोजेनिक H5N1, ये अलग बीमारी है, छोड़ो इसको तो। लेप्टोस्पायरोसिस नाम सुना है इसका, कैसे होती है? मूषक से, मूषक ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं चूहे को, क्या बोलते हैं नहीं सर, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, मूषक बोलते हैं ना, मूषक, मूषक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसा कोई नाम होता, ठीक। तो चूहे, चूहे के यूरिन से, जस्ट बेसिक थिंग, लेप्टोस्पायरोसिस कहाँ से होता है? थ्रू द कॉमन, आप अगर आप पेपर पढ़ते हो तो यहाँ SMS हॉस्पिटल में, यहाँ पे SMS कॉलेज में ICDS का सेंटर चल रहा है वायरल डिजीज कंट्रोल का, तो दे डू इट रूटीनली, और उनका भी डाटा है उनका कि लेप्टोस्पायरोसिस इज वेरी क्वाइट कॉमन इन जयपुर ऑल्सो। पता है आपको ये बात? पेपर में नहीं पढ़ा, पेपर में रिपोर्ट आई थी यार। तो लेप्टोस्पायरोसिस इज थ्रू, वेक्टर कौन सा है इसका? चूहा, है ना, इसके यूरिन से, विद द माउथ सफरिंग विद द लेप्टोस्पायरोसिस, इट विल पास द वायरस इन यूरिन, एंड व्हेन द इंजर्ड स्किन, ब्रोकन स्किन इज कम्स इन कॉन्टेक्ट इन कंटामिनेटेड वाटर, देन द पर्सन कैन सफर द लेप्टोस्पायरोसिस। कोलेरा 200 ईयर्स बैक, 300 ईयर्स बैक इट वॉज क्वाइट कॉमन, एंड ये दिस डिजीज कंसिडर्ड इज फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्यों, क्यों, वाई इट इज कंसिडर्ड? वो PSM में आपने पार्क की बुक में देखा होगा ना, जॉन स्नो का वो मैप वाला मैप, द फर्स्ट फर्स्ट स्टडी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, देखा है वो एक फोटो पार्क में, बुक देखी, बुक पार्क की बुक तो देखी है ना। अच्छा, उसको बुक को खोलना, उसमें एक जगह जॉन स्नो का एक वो है फेमस स्टडी है, विच ही कंडक्टेड इन लंदन, कोलेरा इट वॉज कंसिडर्ड एज ए, मतलब पता ही था कि कोलेरा होता क्यों है, एंड देर आर सो मेनी केसेज ऑफ कोलेरा इन लंदन। So what he did, and it was before the invention of microscope, so nobody knew the cause, but what he did, John Snow, उसने क्या किया, उसने सिर्फ मैप लिया, लंदन का मैप लिया और उसने डॉट लगाया कि कहाँ कहाँ से केसेस आ रहे हैं, ठीक है, एंड विद दैट ही केम टू नो दैट द केसेस जहाँ से आ रहे हैं, द कॉमन रीजन और कॉमन जो उसमें वो है, वो उनका सोर्स ऑफ वाटर है, उनका जो सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज कॉमन टू दोज पीपल, एंड आफ्टर दैट ही डिस्कवर्ड दैट कॉलेरा इज थ्रू स्प्रेड थ्रू वाटर, एंड दे कंट्रोल द वाटर, एंड टुडे दे हैव एडवांस सो मच इन पब्लिक हेल्थ, सो दे हैव कंट्रोल सो मेनी डिजीजेस, सो दिस इज द कॉलेरा जो विच पेव्ड द वे फॉर द इन्वेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये भी छोड़ो, चलो प्लेग के बारे में देख लो, सेप्टिसीमिया, बुबोनिक प्लेग, अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे इमर्जिंग डिजीज को? पहले प्रिपेरेटरी स्टेट, डिटेक्शन कंफर्मेशन, उसके बाद ऑनगोइंग असेसमेंट एंड री इवेल्युएशन, वेरी सिंपल। नाउ डेज दैट विद द टेक्निक वी कैन डिस्कवर दैट वी कैन नो द डिजीज, एंड आफ्टर दैट वी कैन, वी शुड नो अबाउट द साइकिल ऑफ द डिजीज। रिकमेंडेशन क्या होंगी, आपको करना क्या है, स्ट्रेंथनिंग एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस, रैपिड रेस्पॉन्स टीम, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को मॉनिटर करना है,
international disease, surveillance, networking, advocacy, screening on international travels and threats, network of laboratories that link countries and regions, a strong national regional public health system. If we want to control the, ये आपका question आता है, ये final में आपके question आएगा, आप अभी चाहो तो note कर लो, how to control the emerging diseases. तो ये basic recommendations हैं, basic चीजें हैं. आपके जो बाहर से कोई मेहमान आ रहा है, क्वारंटाइन करेंगे उसको, बाहर से कोई ट्रेड हो रहा है उस पर कंट्रोल करेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस करेंगे, मॉनिटर करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. ठीक है, वेरी सिंपल टेक्निक. एंड देन ट्राई टू कंट्रोल द माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मॉनिटर. एपिडेमिक रेस्पॉन्स ये आपको बाद में आप पढ़ लेना, इसको इसका सेपरेट चैप्टर होगा. एबोला आपको बता ही दिया मैंने. सो आई होप विद दैट एनीथिंग एल्स आई हैव गिवन यू बेसिक आइडियाज, बिकॉज एट दिस लेवल इफ आई गो इनटू डिटेल्स यू विल नॉट रिमेम्बर इट. सो या आई होप कुछ बेसिक चीजें याद रहेंगी. जो बेसिक आपको मैंने चीज बताई वो what are the causes behind this emergence of diseases, emerging disease or re-emerging disease. You should know the definition, you should know at least the names and causative agents, you should know the vectors behind those agents, behind those diseases. Theek hai, yaad rahega. And with that, how to control. Very simple. That's all.